19 मैचों में 21 विकेट लेते हुए अभी तक। और इस बीच पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई, लेकिन बल्लेबाज ने इसको देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आदिल काचरू यहां पर बहुत बड़ा नाम जरूर है और स्कोर जो है सिर्फ 148 जरूर लगा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो भी छोटे टोटल्स होते हैं बड़े बड़े दुश्वारियां पैदा खड़ा करती है। फिलहाल यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नजर आया। हालांकि अंपायर मेहराजुद्दीन की अगर बात करें, आज 599 का मैच अंपायरिंग में है मेहराजुद्दीन का, और इनका चयन अगले वाले आईपीएल में भी हुआ है अंपायरिंग के लिए। आदिल काचरू अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया है, अभी तक काफी खामोश रखा है। और इस तरह से बॉलर्स बैक रहा, यहां पर एक लट्टू सा कैच छोड़ा, यकीनन अपना दिल भी तोड़ा। हालांकि वहां पर बढ़िया प्रयास, लेकिन गेंद जो है हाथों में फिसल गई। क्या यहां पर टर्निंग पॉइंट हो सकता था? हालांकि कुल मिलाकर अगर बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी। आदिल काचरू 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन, और जहूर सोफी अपनी पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर। और इस तरह से गेंद को देखा, पटका और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जहूर सोफी की अगर बात करें, एक बड़ी गेंदबाज है जरूर है, लेकिन यहां पर शुरुआती झटका देना होगा कुपवाड़ा क्रिकेट क्लब को, क्योंकि खासकर आदिल काचरू की अगर बात करें बड़े नाम है, क्योंकि आदिल काचरू एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी तरह से गेम को आसानी के साथ अपने आप से दूर करने नहीं देते हैं, एक कैलकुलेटेड बल्लेबाज है। शुशा खान उमर और निसार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और जहा सोफी, HMT एक्सप्रेस और फैसल शौकत शेख आदिल हमारे साथ जुड़े हैं, और लकी खान 1 ओवर 5 गेंदे और 8 रन, 148 का हदफ मिला है कुपवाड़ा क्रिकेट क्लब को, और अभी तक 8 रन बनाने में कामयाब 148 का पीछा करते हुए। और इस बीच गेंद को देखा, परखा और धीरे से पुश किया, लेकिन बढ़िया ओवर की समाप्ति। इस तरह से जहूर सोफी का हालांकि एक अवसर जरूर बना था कैच का, इश्तियाक नाग ने वो बॉलर्स बैक ड्राइव खेला था, जहूर सोफी के हाथ में तकरीबन गेंद आ चुकी थी,